हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी। यूनिक वे ऑफ लर्निंग देखिए, करंट अफेयर्स 2022 की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसके ऑलरेडी 189 वीडियोस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इन वीडियोस को हमने हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट करिए और करंट अफेयर्स 2022 प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर वीडियोज देख सकते हैं। इन वीडियोज को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस किया है। आज हम क्लास 190 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कोवैक्स वैक्सीन के बारे में, कोवोवैक्स वैक्सीन। इस करेंट इवेंट न्यूज को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। साथ में ही आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया जाएगा, जिसका कि आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताना है। और लास्ट में आने वाली क्लास 191 में हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब नए वीडियो डालेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और चलते हैं। देखिए, जो कोवोवैक्स वैक्सीन है उसको अभी रिसेंटली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के द्वारा यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है कि इसको हम इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। 7 से 12 साल के बीच में जो चिल्ड्रन है इस एज ग्रुप के, उनके लिए जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई कोवोवैक्स वैक्सीन को यहाँ पे मंजूरी दे दी है। तो हमको ये याद रखना है, इसको जो डेवलप किया गया है कोवोवैक्स वैक्सीन को, वो आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। कोविड-19 वैक्सीन इसको जो है इसको अप्रूव कर दिया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 7 से 12 साल के एज के जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी यहाँ पे दी है। इससे पहले बात की जाए कि कोवोवैक्स वैक्सीन को 28 दिसंबर 2021 को DCGI ने यहाँ पे वयस्कों में आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे परमिशन दी थी, अप्रूव किया था वयस्कों के लिए, और 12 से लेके 17 साल के लिए यहाँ पे 9 मार्च को यहाँ पे मंजूरी दी थी, 9 मार्च 2022 को यहाँ पे इस ग्रुप के एज के लिए जो यहाँ पे कोवैक्स वैक्सीन के इमरजेंसी यूज़ के लिए मंजूरी दी थी। अब 7 से 12 साल के जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए भी यहाँ पे कोवैक्स वैक्सीन, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप की गई है, उसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है कि अब ये 7 से 12 साल के बीच में जिन बच्चों की एज है उनके लिए भी, 7 से 11 साल के बच्चों के लिए इसको इमरजेंसी यूज के लिए यहाँ पे अप्रूव कर दिया है। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं कोवोवैक्स वैक्सीन के बारे में। इसको जो डेवलप किया गया है वो आपको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो ये ऑल अबाउट था इस करेंट इवेंट न्यूज़ के बारे में। अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इन 2022 वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VL वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR SAM का जो यहाँ पे सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है, ये कहाँ पे किया गया था? चेन्नई, श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, पोखरण। तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है वो आपको हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। DRDO VSLR मिसाइल का सफलतापूर्वक लॉन्चिंग कहाँ से की गई है? तो ये ऑल अबाउट था इस करेंट इवेंट न्यूज़ के बारे में, कोवोवैक्स वैक्सीन जिसको कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।